हाय गाइस, आज हम बनाएंगे सूरन के पत्ते की टिक्की। पहले हम इसको निकाल लेंगे ऐसे खोल खोल के, पत्ते को निकालना है। ये देखिए, हमने चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो लिया था। भिगोने के बाद हम इसको पीस लिए हैं। पीसने के बाद देखिए, ये देखिए, हम इस प्याज को कट कर लेंगे। एक प्याज हम कट कर रहे हैं। प्याज हमारी कट हो गई है। इसके बाद सूरन के पत्ते को हम काट लेंगे। देखिए कैसे कट कर रहे हैं। बारीकी से इसको काटना है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च काट लेंगे। अब इसमें हमें 2-4 लहसुन की कली चाहिए, उसको भी हम छोटे टुकड़े में काट लेंगे। अब हम सबको चने के पेस्ट में मिला लेंगे। ये देखिए, नमक और खटाई, ये चने का पेस्ट, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज। ये देखिए, हम पत्ते को इसमें अब मिला लेंगे। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, खटाई। खटाई आप इसमें ज़रूर डालिएगा। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपके पास खटाई नहीं है तो। अब इसको मिला लीजिए हल्के हाथों से। 1 चम्मच हल्दी, हमने इसमें गरम मसाला पेस्ट में पीस लिया था। ये देखिए कि हमने तवा गैस पे रख लिया है। अब इस पे हम सरसों का तेल लगा लेंगे। तवा गर्म होने के बाद, तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस पे हम टिक्की बनाकर डाल लेंगे। हम इस पे 3-4 टिक्की डालेंगे। ऐसे ही छोटा छोटा बनाकर तवे पे डाल दीजिए। हल्का हल्का तेल भी डालते रहिए ताकि नीचे से पकड़े ना। फिर धीरे धीरे इसको पलट लेंगे। ये देखिए, एक तरफ से तैयार हो गया है टिक्की।
फिर थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। ये देखिए टिक्की तैयार हो गई है। टिक्की कैसी लग रही है देखने में? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बाय।